Hello everyone, this is Mansi from evenhappy.in. Coming to question number 2, exercise 2.5. So, in this question, again we have to solve this linear equation. The equation is n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 equals to 21. So, हम देख सकते हैं यहाँ पे n वाली terms already सारी एक ही side पे हैं. तो हम यहाँ पे इसे solve करेंगे, LCM लेना पड़ेगा हमें numbers का. The numbers are 2, 4, 16. So, we can see यहाँ का पे LCM होगा 12, because 12 ऐसा नंबर है जो इन सबके टेबल्स में आता है. लेकिन अगर ज्यादा नंबर जो आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि कैसे उसका एलसीएम निकालना है, तो हम उसका एलसीएम ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं, राइट? सो दिस विल बी 2, 1, 2, 3, अगेन विद 2 वी गेट 1, 1, 3, अगेन विद नाउ विद 3 वी गेट 1, 1 एंड 1. सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. सो 12 LCM आ गया. 2 के टेबल में 12 कब आता है? Into 6, 4 के टेबल में, into 3, 6 के टेबल में, into 2. So, जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, उसी से न्यूमरेटर को करना पड़ेगा. Like this. So, now, n into 6, 6n minus 3 into 3, 9n plus 5 into 2, 10n equals to 21. Right? Now, 6n, अब इसमें हम देखते हैं पहले जो प्लस वाले नंबर्स है उनको एक साथ कर लेते हैं. सो 10 प्लस 6 इज 16n माइनस 9n. अब यहाँ पे जो 12 है ये पूरे से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. अगर हम इसे इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 21 इंटू 12. ओके, सो नाउ वी गेट 16 माइनस 9 इज 7. सो 7n इक्वल्स टू 21. आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, ताकि जब हम इधर लेके आएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी. नाउ n फाइंड करेंगे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बी अपॉन 7. अब इसको कैंसिल कर देंगे, 7 वन जा 7, 7 थ्री जा 21. सो नाउ n इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 3. सो 12 इंटू 3 इज 36. सो मीन्स आपके पास n आ जाएगा 36. ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.